अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम बताएंगे स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में। हेलो भाई, हेलो बॉस, बॉस अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम धीरक बलोच है और मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ शामीर दीदक बलोच है कि किस तरह आप लोग अगर आना चाहें तो ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो, और जिस मैं पढ़ता हूँ डीकिन यूनिवर्सिटी उसमें पढ़ सकते हो, और सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें दूंगा। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए ताकि आप लोग इंटरेस्टेड हों, ताकि फिर मैं उसके बाद आप लोग को बता सकूँ कि प्रोसेस क्या है ऑस्ट्रेलिया आने का। होप आप एंजॉय करेंगे वीडियो को। थैंक यू। वैसे मेलबर्न और सिडनी जो हैं वो दो सिटीज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो और आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी जिसको कहें वो ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है और मिलने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो मेलबर्न में और सिडनी में स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए, तो फिर आप लोग ये मतलब सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी सिटी जाना है। प्लस आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी जो फ़ीस है यूनिवर्सिटी की, ट्यूशन फ़ी, वो कौन पे कर रहा है। क्या आप यहाँ पे आके खुद अर्न कर रहे हो, या आपके घर से आ रही है, या आप हाफ अर्न कर रहे हो हाफ आपके घर से आ रही है। ये सब चीज़ें जो है आपको सबसे पहले सोचनी है, कंसिडर करनी है। ये आपसे आपका एजेंट भी पूछेगा और एजेंट भी यही सुनना पसंद करेगा, और जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट भी यही चाहेगा कि भाई मतलब उसके घर से फ़ीस आए, लेकिन सब अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जिस तरह डीकिन यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ तो डीकिन यूनिवर्सिटी हमें एक साल के 26 लाख रुपए ऑलमोस्ट चार्ज करती है। तो जाहिर सी बात है हर बंदा जो है 26 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता, नीदर मी। मैं भी हर साल अपने घर से 26 लाख लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन दो अगर मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर भी सकें मुझे देना, मेरा वो ज़मीर गवारा नहीं करेगा कि मैं जॉब करते हुए हर साल या हर सेमेस्टर कहें मैं 13 लाख रुपये मांगूँ कि मुझे 13 लाख रुपये दें, मुझे पढ़ना है। तो आप सब जब आएंगे तो आप लोग भी यहाँ पे काम करेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोगों को भी फील आ जाएगा कि मतलब आप लोगों को खुद अर्न करना चाहिए। लेकिन हाँ, एट टाइम्स आप पूरी फीस नहीं अर्न कर पाओगे तो फिर आपको कुछ सपोर्ट घर से चाहिए होगा। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग यूनिवर्सिटी चूज़ कीजिए, आप लोगों को कौन सी सिटी जाना है, फिर उस सिटी में कौन सी यूनी जाना है, आप उन यूनी को लिख लीजिए अपने पास कि दो तीन यूनी आप चॉइस कर लीजिए, और फिर आप जाइए एजेंट के पास और उनको कहिए कि भाई मुझे इन यूनी में अप्लाई करके दो। डॉक्यूमेंट्स आपके मेनली एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मैट्रिक, फर्स्ट ईयर या ओ लेवल, ए लेवल्स, आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपने गैदर करने हैं और जाना है एजेंट के पास। एजेंट आपके वो डॉक्यूमेंट्स दे देगा और यूनिस आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। प्लस आप आइल्स की अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि जितने अच्छे आपके आइल्स में बैंड होंगे उतना आपके मतलब चांसेस ज़्यादा होंगे वीज़ा के आने के। अब आप अगर ओवरऑल 5.5 लाते हैं तो आपके वीज़ा के चांसेस रिलेटिवली कम होंगे। अगर आप आइल्स में 6.5 या 7 स्कोर करते हैं, जो कि आई थिंक अच्छा बैंड है जिसमें आपको हर यूनि में एडमिशन भी मिल सकता है और वीज़ा के चांसेस भी ज़्यादा हैं। प्लस देखें, जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स रिलेटेड हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आजकल जो है यहाँ पे अकाउंटिंग जो है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अकाउंटिंग ही पढ़ने आते हैं, सारे नहीं तो मेजॉरिटी जो है वो अकाउंटिंग पढ़ने आती है। मैं खुद अकाउंटिंग पढ़ने आया था, यहाँ पर अकाउंटिंग का वो स्कोप नहीं रहा, ठीक है। अकाउंटेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं अकाउंटिंग से शिफ्ट होके
लैंड इकोनॉमिक्स की तरफ गया हूँ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, प्रॉपर्टी इन रियल स्टेट जिसे हम कहते हैं तो। और प्लस जो कॉमर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो स्टेटिस्टिक्स जाएँ, जिसको हम डाटा एनालिटिक्स कहते हैं, या फिर वो एक्चुरियल साइंसेस की तरफ जाएँ, या तो फिर वो आईटी का बड़ा स्कोप है भी ऑस्ट्रेलिया में। अकाउंटिंग के लिए मैं थोड़ा सा डिस्करेज करूँगा क्योंकि वो स्कोप नहीं रहा अकाउंटिंग का भी, आप एजेंट से भी जब पूछेंगे शायद वो भी आपको बता ही देगा। तो आप लोगों को ये सबसे पहले, उसके बाद आयल्स वगैरह आपका हो जाएगा, फ़ी आपकी वेरी करती है, जिस तरह मैंने बताया लटरोब हो गया, स्विनबर्न हो गया, डीकिन हो गया, मोनैश हो गया, आरएमआईटी हो गया, फ़ीस वेरी करती है आपकी। आपको एक सेमेस्टर के 8 से 14 लाख के दरमियान चार्ज कर सकते हैं वो, मेरी यूनी मुझे 12.5 से 13 लाख चार्ज करती है एक सेमेस्टर के। तो ये यूनी आप डिसाइड कीजिए, उनके इंटरनेट पे रिव्यूज़ देखिए, उनके फ़ीस स्ट्रक्चर चेक कीजिए कि आपको फ़ीस कितना चार्ज कर रही है, वो आप अफोर्ड कर पाओगे या नहीं। यहाँ पे अच्छी जॉब्स हैं, यहाँ पे ऐसी भी जॉब्स हैं जिसमें आपको पर आवर 25 मिल सकते हैं डॉलर, आपको पर आवर 30 से 32 भी मिल सकते हैं पर आवर। तो फिर आप ये चीज़ें जहन में रखिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप थोड़ी मेहनत प्लस आपका थोड़ा बहुत लक भी है। और उसके बाद जो है आपका आपका वीज़ा भी आपको समथिंग लाइक 50,000 कॉस्ट करता है, आपके एजेंट की जो फ़ी है वो 20,000 है, आपका वीज़ा भी जो है वो 1 हफ्ते 10 दिन से 2 महीनों के अंदर आ सकता है। तो अगर आप आने में इंटरेस्टेड हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर कीजिए। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, दोबारा कहता हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी या इकरा यूनिवर्सिटी या जेबिस्ट की डिग्री, और फिर डीकिन यूनिवर्सिटी या मोनैश यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न या ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की डिग्री में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आपके 3 साल स्ट्रगल के ज़रूर होंगे, चूंकि आपने कभी पाकिस्तान में जॉब नहीं किया होगा, यहाँ पे आके आपको रेंट भी भरना होता है, आपको काम भी करना है, आपको खाना भी बनाना है, आपको कपड़े भी धोने हैं, आपको सफाई भी करनी है, आपको असाइनमेंट्स भी करने हैं, सब कुछ करना है। लेकिन ये 3 साल थोड़े स्ट्रगल के, उसके बाद आपकी ज़िंदगी को ऐसे बना देंगे कि आप इस बात को मेरी याद रखेंगे हमेशा। अगर आप किसी को जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो एक फेसबुक पर पेज है, या सॉरी फेसबुक पर एक ग्रुप है PSAA के नाम से, पाकिस्तान स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उस पर अपने कमेंट्स जो भी हैं, जितने क्वेश्चंस हैं पोस्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। हमारी हमारी पाकिस्तान की कम्युनिटी है, जितने भी लोग रहते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, वो सब रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लस जो लोग होके चले गए हैं, या प्लस जो लोग यहाँ से होके किसी और मुल्क गए हैं, यूरोप, मिडल ईस्ट या अमेरिका की साइड पे गए हुए हैं। तो बाकी ये मैं अपना लिंक जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करता हूँ, तो आप लोग उस लिंक को खोल के मुझे मुझसे जो सवालात करना चाहें कीजिए, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल। बाकी ये है कि रिसर्च कीजिए ऑस्ट्रेलिया से पहले, ऐसे ही नहीं आइएगा, रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी फैसले जो है वो मुश्किल पड़ जाते हैं और रिग्रेट करता है इंसान फिर, क्योंकि लेकिन एक एक बार आप यहाँ पे आ गए तो रिग्रेट करने का कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली जहाँ से आपको 15 से 20 लाख निकाल के देगी, आप वापस जाना मुझे नहीं लगता कि आपका ज़मीर गवारा करेगा। तो प्लीज़ सोच समझ के फैसला कीजिएगा। बाकी आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू कम टू ऑस्ट्रेलिया फॉर देयर हायर स्टडीज़, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। आपको PR जिधर मिल गया तो आपके तो आम उर्दू ज़बान में कहेंगे वारे न्यारे लग गए। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो I don't wanna waste what's left. And I